हेलो प्यारे दोस्तों, आइए आपके अपने ही चैनल यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर सिद्धार्थ कुमार सुमन पे आप सभी को स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले पे हम डिस्कशन करते हैं। आइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी के। इनको हम प्रूफ करते हैं। एक ही फॉर्मूला है, इसे याद रखिए, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे और इनका डायरेक्ट यूज भी है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। ये हुआ एलएचएस साइड और ये हुआ आरएचएस साइड। एलएचएस साइड में हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहां से ए लेते हैं, अगले पूरे टर्म ए प्लस बी प्लस सी से गुणा करते हैं, प्लस बी लेते हैं, पुनः अगले टर्म ए प्लस बी प्लस सी से पूरे सेट से गुणा कर दिए। अब पुनः प्लस सी लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे किए, पुनः इसको इससे करेंगे, फिर इससे इससे करेंगे, पुनः इसको इससे किए, इसी तरह क्रम चलता है। अब बड़े वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये है ए स्क्वायर, यहां से लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लिए। अब देखिए ए बी और ए बी, ये हो जाएगा टू ए बी। उसके बाद बी सी प्लस बी सी, ये हो जाएगा टू बी सी। पुनः सी ए प्लस सी ए, ये हो जाएगा टू सी ए। आर एच एस प्रूफ, यानी कहने का मतलब हुआ हमें मात्र और मात्र एक फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। कुछ नहीं करना इसी फॉर्मूले से। अब इसको याद रखेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। जैसे कि आप देखिए ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देखिए यहाँ है प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टू ए बी। यहाँ टू बी सी है तो माइनस माइनस प्लस टू बी सी, पुनः माइनस टू सी ए हो जाएगा। उसी तरह अगला फॉर्मूला होगा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस टू ए बी, पुनः प्लस माइनस माइनस टू बी सी और प्लस 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 हो जाएगा टू सी ए। बस इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते चलना है, सारे फॉर्मूला खुद ब खुद ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए सवाल आप देखते हैं 3x प्लस 5y प्लस 8 का होल स्क्वायर। ये सवाल है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं ये a है, इसको मान लेते हैं ये b है और इसको मान लेते हैं c है। तब बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर तो 3x के होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 5y के होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर कितना है 3x है, बी के जगह पर कितना है 5y है, अब प्लस 2 बी सी 2 बी कितना है 5y, सी कितना है 8 है, अब प्लस 2 सी ए 2 सी